Oh God, रोशनी, रोशनी, एक गिलास पानी दो यार, बहुत जोर से सर दर्द हो रहा है। रोशनी, इतनी भी क्या जल्दी है जीजू? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इस हालत में? क्या गंध फैलाया तुमने? गंध मैंने फैलाया है क्या आपने जीजू? वैसे मैं नहीं जानती थी कि आपके मन में मेरे लिए ये सब है। बकवास बंद करो और साफ साफ बताओ क्या हुआ था यहाँ कल रात। बको जीजू, एक जवान लड़का और एक खूबसूरत जवान लड़की तन्हा कमरे में बंद हो, मौका भी हो, दस्तूर भी हो, हुस्न भी हो, बेकरारी, तो आप खुद ही सोच लीजिए। शबनम! देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें। एक जीजा अपनी साली के कमरे में जबरदस्ती घुस आता है और उसकी आबरू पर हाथ डालता है क्योंकि वो अपनी बीवी से तंग आ चुका। जरा सोचिए जीजू, एक आदर्श जमाई पर इतना बड़ा कलंक। वैसे जीजू, आपको मुझे 24 घंटे की मोहलत नहीं देनी चाहिए, तुरंत निकाल देना चाहिए था, क्योंकि अब अगले 24 घंटों में आपकी इज्जत की वो धज्जियां उड़ेंगी कि सारा जमाना देखेगा और आप तड़पोगे। मैं यहाँ कैसे आया? मैं यहाँ तुम्हारे कमरे में आया कैसे? याद है आपको जीजू, आप अपनी प्यारी बीवी के साथ मिलकर करवा चौथ मना रहे थे, आपने पानी पिया था। बस उसी पानी में मैंने अपना थोड़ा सा प्यार मिला दिया। तो ये है तुम्हारा घटिया खेल। ठीक है, करो जो करना है। क्या करना चाहती हो? मुझे मेरे परिवार के सामने नीचा दिखाना चाहती हो ना? यही चाहती हो ना? ये मेरा परिवार है शबनम, सिद्धार्थ खुराना का परिवार। और ये परिवार सिद्धार्थ खुराना को ही नहीं, उसकी सोच को, उसके चरित्र को, उसकी आत्मा को, उसकी दिल को अच्छी तरह जानता है। जो करना है कर लो, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। ना रोशनी तुम्हारी बात मानेगी और ना मेरा परिवार, और बाकी पूरी दुनिया का मुझे फर्क नहीं पड़ता शबनम। समायरा की नींद छिन चुकी है जब से यश ने उसे डिवोर्स के पेपर्स भेजे। आप सुन भी रही है कि मैं क्या कह रही हूँ? कुछ हेल्प तो करिए, या मैं सैम को उसके हाल पे छोड़ दूँ। मोना दीदी, प्रॉब्लम ये है कि यश और समायरा दोनों अडल्ट्स हैं। हाँ, दोनों की पर्सनल प्रॉब्लम है। मुझे लगता है उन्हें आपस में ही निपटा लेना चाहिए। और वैसे भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना उन दोनों के बीच में कि यश का दिमाग इस हद तक घूम गया। हाँ दुर्गा भाभी, सब देख रही हूँ और ये भी देख रही हूँ कि ये पानी का घूंट आपके हालत के नीचे से उतरता नहीं। अगर यही टेंशन सिद्धार्थ और रोशनी के बीच होती, नहीं उतरता। सही कह रही हैं आप, आपके हालत के नीचे से भी नहीं उतरता है ना। जानती है क्यों? क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दे लुक आउट फॉर ईच अदर। उनकी आंख में नजर आता है कि वो एक दूसरे को कितना चाहते हैं। और पता है, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वो करवा चौथ के लिए वापस आया ना। क्यों वापस आया? कि वो मेरी बच्ची से बहुत प्यार करता नजर आता है मुझे। He can't live without her. रोशनी उसके लिए किसी के भी खिलाफ जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि अपनी जान छिड़कता है वो उसके ऊपर। नजर आता है ना, हर किसी को ये चीज घर में नजर आती है। इसलिए दुख होता है जब उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है। और मुझे देखिए, मेरा और उसका तो 36 का आंकड़ा है। पता नहीं जिंदगी में ऐसा कौन सा दिन है, क्या है, कभी होगा भी ऐसा कि हम दोनों एक बात पर, एक चीज पर मानेंगे? नहीं, हम हमेशा डिसएग्री करते हैं, हर चीज पे डिसएग्री करते हैं। लेकिन समायरा तो सीरियसली, मतलब क्या करें उसका? आप बताइए, सीरियसली आप बताइए, हम क्या कर सकते हैं उसका? उसे खुशी हजम नहीं होती, नहीं होती। जब वापस आई थी अमेरिका से, उस राजवीर के साथ आई, आपको सच बोलूं, कई बार मुझे लगता है अच्छा ही हुआ कि वो कृतिका के जाल में फंस गए, हमारी बच्ची बच गई। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे उस वक्त यही फीलिंग हुई। लेकिन नहीं, वहां भी शांति नहीं। उसके बाद वो नौकरी, मैं उसको लगातार कहती रह गई, समायरा ध्यान से, सुनने में ही अजीब लग रहा है लेकिन नहीं, मामी तो पागल है, बोलती रहती है। चलो ठीक है, किडनैप किया उसने उसे, कौन गया बचाने? सिद्धार्थ नहीं ना, मैं और वही भाग रहे थे। उसी ने इनफैक्ट बाद में जाकर यश से बात भी की, उसे मनाया। तब भी खुश नहीं रह सकती वो उस लड़के के साथ। मैं आपको सच कह रही हूँ, आप उसके साथ बैठिए, समझाइए, वक्त गुजारिए उसके साथ। उसे समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ उसे खुशी हजम नहीं होती। और अब सब ठीक चल रहा था ना, ये कृतिका की प्रॉब्लम में फंसने की क्या जरूरत थी उसे? नहीं, क्यों उसको लेकर वो इतनी विंडिक्टिव क्यों है? क्या दुश्मनी है? कुछ भी नहीं ना, तो क्यों उसने ऐसा किया? यश को आप जानती हैं, मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ, आप भी उसे काफी हद तक जानती हैं। अगर यश जैसे लड़के ने ऐसा किया है तो पता नहीं, मैं और तो कुछ बोल ही नहीं सकती। मगर दुर्गा भाभी, एक बात याद रखिएगा, वक्त बहुत बलवान होता है। भगवान ना करे कि रोशनी को कभी सेट पर शक भी हो, तब मैं आपसे पूछूंगी कि किसे समझाना चाहिए और किसे नहीं। जब हम लोगों ने उन मनहूस कागजों पर साइन किया था जिन पे लिखा था कि सिद्धार्थ और रोशनी अब एक साथ नहीं रह सकते, और जब हमें अलग हो जाना पड़ा था, लेकिन हम हर बार हर मुश्किल से जीते हैं ना रोशनी, जीते क्योंकि हम दोनों के बीच में भरोसा था ना। सिद्धार्थ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, क्योंकि इस भरोसे की जरूरत पड़ने वाली है रोशनी। तुम तो भरोसा करती हो ना मुझ पर? ऑफ कोर्स सिद्धार्थ, पर हुआ क्या है? तो देखो, एक्चुअली रोशनी मैम, सिद्धार्थ, किसका मैसेज है? तुम मुझे कुछ बताने वाले थे, बोलो ना। नहीं, वो हाँ बताने वाला था, लेकिन कोई कुछ जरूरी काम आ गया मुझे। तो तुम क्या बताने वाले थे मुझे? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ये काम बहुत जरूरी है, मुझे निपटाना पड़ेगा। I'm sorry। भरोसा रखोगे ना मुझ पर? सुबह सुबह क्या हो गया सिद्धार्थ को? इतना परेशान क्यों था? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।